ओके गाइज, वेलकम टू द नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, एंड वेलकम टू द वीकली प्रेडिक्शंस। तो आज हम बात करेंगे कि 25 से लेके और 1 मई तक का हफ्ता जो है उसमें हमारे लिए क्या गाइडेंस है, और ओरेकल मैसेज जो है मैं गीता कार्ड से निकालूंगी, और सुशांत का मैसेज जो है वो मैं मैप एन्चांटेड मैप से निकालूंगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक के लिए वट इज़ द एनर्जी लाइक, वट इज़ द गाइडेंस, वट इज़ गोइंग टू हैपन, वट इज़ द गाइडेंस। एंड 25th of April टू 1st of May, राइट, 25th of April टू 1st of May, वट इज़ द एनर्जी लाइक, वट डू वी नीड टू नो। ओके, सो लेट्स सी, लैम्प ऑफ नॉलेज, ब्यूटिफुल कार्ड, ये चैप्टर 10 वर्स 10 और 11 है, 10 और 11 की एनर्जी आ गई है, और दिस सेज टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विद लव, आई गिव द इंटेलिजेंस बाई विच दे कैन अटेन मी, आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम डिवेलिंग इन देयर हार्ट्स आई डिस्ट्रॉय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस विद द लैम्प ऑफ नॉलेज। सो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगला हफ्ता जो है बहुत सारी डार्कनेस को खत्म करने वाला है, बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो बहुत कंपैशन लाने वाला है, प्यार लाने वाला है, आपके हार्ट्स की बहुत सारी डिजायर्स जो है वो पूरी होने वाली है, और ये जो एनर्जी है ये गुरु की एनर्जी है, ये ज्ञान की एनर्जी है, ये पावर की एनर्जी है, ये चीजों के सच को समझने की एनर्जी है। बर्ड्स हैं नेचुरल, बहुत पत्ते में खाना है एक तरह से, अगर आप देखें ऑर्गेनिक है बहुत, और हट है पीछे, और ये तीनों के ऑरा आप देख रहे हैं कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है राम सीता और लक्ष्मण की एनर्जी है ये, और ज्ञान जो है, ज्ञान की प्राप्ति अगर मैं बोलूं ये हफ्ते के लिए तो गलत नहीं होगा, आने वाले हफ्ते में बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारा ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त होने वाला है, और 10 और 10 11 की एनर्जी है, इस वर्ष को जरूर पढ़िएगा और इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आएंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर सुशांत, फ्रॉम सुशांत फॉर द नेक्स्ट वीक। सुशांत, 25 अप्रैल से 1 मई क्या होगा? ओके, सो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी, बट व्हेन ही गिव्स। सो पहला ही एनर्जी जो है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, और फिर मैं एक कार्ड निकालूंगी पूरा बुक से पढ़ने के लिए, बट पहली एनर्जी जो है वो ड्रैगन्स लायर की एनर्जी है, 19 नंबर 10, और दूसरी एनर्जी जो है वो रॉक बॉटम की एनर्जी है, नंबर 10। सो जो ड्रैगन की जो झूठ के दम पे खड़ी हुई बिल्डिंग थी, जो आइस की बनी हुई, या आइस क्वीन अगर आप बोलो तो, या ड्रैगन आप बोलो तो, जो धूप झूठ के दम पे बनी हुई बिल्डिंग थी वो बिल्कुल रॉक बॉटम जमीन पे आके लग गई है, लग जाएगी। और विजर्ड ऑफ अवेयरनेस, तो आप सब लोग जो है अवेयर होंगे, 3 की एनर्जी है, आप सब अवेयर होंगे बहुत सारी चीजों के साथ, अवेयरनेस जो है वो आपकी तरफ आएगी, पर्क्स ऑफ जॉय, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको खुश देगा। 6 की एनर्जी है, एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, 19 और 10 हो गया, 3 और 3 3 हो गया, डबल हो जा रही है एनर्जीज, इफ आई से तो डबल हो जा रही है एनर्जीज, और यहाँ पे पर्क्स ऑफ जॉय की एनर्जी है, और 19 की एनर्जी 10 में तब्दील हो गई, क्योंकि टोटल 10 बनता है, 3 की एनर्जी 3 में तब्दील हो गई, पर्क्स ऑफ जॉय, डेफिनेटली कुछ जॉयफुल, कुछ अच्छा जो है वो आपकी तरफ आएगा, स्पार्क है 33 से 34 में आ गए हम, और 34 से 24 6 की एनर्जी में आ गए, 7 और 6, और ये जो कार्ड है ये एक तरफ से स्पार्क, और क्यों, देर इज अ रीजन क्यों मैंने ये कार्ड जो है ऐसे निकाल लिया, क्योंकि एक तरफ जहां पे स्पार्क की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, म्यूजिक की एनर्जी, पावर की एनर्जी, हार्ट की एनर्जी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल मड में स्टक होने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये देखो तो एलिफेंट जो है मड में स्टक है, क्योंकि भार बहुत है इसका, लेकिन एफर्ट कर रहा है, और उसके ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है जो देख रहा है, सिर्फ सवारी कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मूव करने वाली हैं, लेकिन मूवमेंट जो है कंप्लीट नहीं होगी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें फिर भी स्टक रह जाएंगी, लेकिन बहुत सारी मूवमेंट जो है सुशांत के एनर्जी से रिलेटेड हमें देखने को मिलेगी। अब मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ जो वो बैटम में मैसेज पढ़ के सुनाऊंगी, तो सुशांत जस्ट गिव मी 25th April टू 1st of May, वन दैट आई कैन रीड वर्बैटम एज मैसेज फ्रॉम यू, एक जो मैं आपके मैसेज की तरह पढ़ के बता सकूं, व्हाट डज बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या। ओके, सो यू सी, सबसे बेस्ट क्या डिफाइन करेगा,
स्टक इन द मड और माउंटेन की एनर्जी है। 24 है और 6 है, दोनों एनर्जी 6 की आई हैं और ये दोनों कार्ड मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली 24 नंबर मुझे ऐसा लगा था कि कहीं स्टक इन द मड जो है वो जरूर आने वाला है और आ भी गया। तो 24 नंबर स्टक इन द मड और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आप इन्वाइटेड हो रुकने के लिए और अपनी जिंदगी को इंजॉय करने के लिए। कई बार स्टक होना जो है वो ट्रिक होती है स्लो डाउन होने की और अपने आसपास देखने की। इनफैक्ट ये साइन है कि आपको अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना है। आप जो भी कर रहे हो वहां पे अटेंशन कहीं और देनी है और स्ट्रगल नहीं करनी है। सो ये टाइम नहीं है आगे फॉरवर्ड करने का, फॉरवर्ड मूव करने का, बल्कि ऑब्जर्व करने का, क्लैरिटी लेने का अपने सर्कमस्टांसेस के लिए। और क्लैरिटी थोड़े से टाइम में आ जाएगी। सो थोड़ा सा स्टॉप रुको और हैप्पीनेस फाइंड करो अपने आसपास, जॉय फाइंड करो अपने आसपास और बहुत जल्दी आप मठ से बाहर होंगे। लेकिन अभी आपके स्पिरिट का आपके लिए प्लान है। सो ही सेइंग दैट अगर मूव करना शुरू करें चीजें और फिर रुक जाएं तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो रुकना जो है जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि माउंटेन यू हैव द कैपेसिटी टू फ्लो अराउंड ऑब्स्टेकल। तो आपके पास कैपेसिटी है किसी भी ऑब्स्टेकल के क्रॉस होने की और टाइम है अडॉप्ट करने का। तो कई बार आप ऐसे सिचुएशन के अगेंस्ट आते हो, ऐसा बड़ा पहाड़ आ जाता है कि आपको सक्सेस की तरफ नहीं जाने देता है। तो आप अगर सोचोगे कि आप उसका पहाड़ को चढ़ लो तो वो आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप नदी की तरह देखो तो नदी जो है वो पहाड़ के चारों तरफ कितनी अच्छे से बह जाती है और निकल जाती है। तो आप ये ऑब्स्टेकल जो है इसको क्रॉस कर जाओगे और टाइम होगा अपने सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करने का। एंड अगर आप क्लाइम जो है वो डिसाइड करते हो तो एक स्टेप एक टाइम पे लेना है और सही एक्शन के लिए ऑप्ट करना है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि सुजान के केस में कोई मूवमेंट हो, हलचल हो और फिर अचानक से स्टक हो जाएं चीजें, तो उस वक्त ऑब्जर्व करिएगा कि कहाँ स्टक हैं, क्यों हो रही हैं और क्या है। क्योंकि वो नदी जो है रास्ता बना रही है पहाड़ की तरफ, दूसरी तरफ जाने के लिए, और वो रास्ता जो है बन जाएगा। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इतनी बड़ी नहीं होगी जो क्रॉस ना हो पाए, डेफिनेटली क्रॉस होगी। लेट्स सी नेक्स्ट वीक के लिए क्या चार्म है, चार्म फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, सो नेक्स्ट वीक के लिए क्रोकोडाइल है, बर्ड है जो क्लोवर लेके आ रहा है, फोर लीफ जो लक है और फेदर है। तो अच्छा जी, तो डेफिनेटली एनर्जी स्ट्रांग है, पावरफुल है, लक या किस्मत आपकी तरफ आ रही है, पावरफुल किस्मत चेंजेस आपकी तरफ आ रही हैं। और एरो जो है ये जो चार्म फेदर है ये हर्ट है लेकिन फिर भी पावरफुल है। तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो मुझे पावरफुल लग रही है, स्ट्रांग चेंजेस लग रहे हैं। और मुझे हो तो नथुलाल देसी मुझे आपकी पावर दिखाती है। अपनी पावर का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, सही तरीके से करें और किस्मत जो है वो आपके दरवाजे पे आके नॉक करने वाली है। अगर आप अपने पुरानी चीजों के बारे में, हर्ट के बारे में सोचेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी बिलीफ पे विश्वास रखेंगे तो रास्ता बना पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। बाय बाय।